आज मैं फिर आई हूँ आप लोग के साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, जो बनाने में काफ़ी आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप सभी जानते हैं कि अभी मौसम कितना गर्म हो रहा है, बाहर जितनी धूप अंदर उतनी ही गर्मी हो रही है। ऐसे में हम बाहर का चीज़ यदि समोसा वगैरह खाने का मन भी होता है तो हम खा नहीं पाते हैं, खाने से हम बीमार भी पड़ जाते हैं। तो घर में ही क्यों ना ऐसी रेसिपी बनाएं जो खाने में भी टेस्टी हो और बाहर की भी फीलिंग है। तो अक्सर क्या होता है कि हम समोसा घर पे बना नहीं पाते हैं। समोसा के फीलिंग तो हम बहुत अच्छा बनाते हैं मार्केट की तरह, लेकिन समोसा का सेफ हम अच्छा नहीं बना पाते हैं। तो इस रेसिपी में आप समोसा की तरह ही टेस्ट पाओगे और फीलिंग तो समोसा की तरह ही बनती है। तो चलो इसे शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, एक बड़े से परात में हम लेंगे बड़े चम्मच से 4 या 5 बड़े चम्मच मैदा, साथ ही डालेंगे हम 1-1 चम्मच कलौंजी और अजवाइन। इसे मसल के डालना है, इससे टेस्ट अच्छा आता है और पाचन शक्ति में भी सहायता करता है। 1 चम्मच हम नमक डालेंगे, साथ ही 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। मैंने मोइन के लिए यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप चाहे तो घी या फिर रिफाइंड ऑयल लें। इसके बाद हम हाथों से अच्छे से सभी को मिक्स करेंगे। ये देखिए, हम जब हाथों से दबा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा गोले बन रहे हैं, मोइन हमारा परफेक्ट है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक सॉफ्ट और टाइट डो तैयार करेंगे। डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, तब तक हम एक घोल बना लेते हैं जिसमें मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और सरसों का तेल लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरीके से एक हम घोल बना लेंगे। देखिए, अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए कढ़ाई में लिया है मैंने सरसों का तेल। इसमें डाल 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच जीरा और इसे चटकने देंगे। फिर मैश करा हुआ आलू डालेंगे, साथ ही कुछ सूखे बेसिक मसाले डालेंगे जैसे किचन किंग, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सभी को डालने के बाद आलू को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया पत्ता हो तो ऊपर से धनिया पत्ता से गार्निश कर लें, और नहीं हो तो मेरी तरह इस अजवाइन पत्ते से ही काम चला लें। इस अजवाइन पत्ते के टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, जिसे हम सुखा के ऑरिगेनो भी बनाते हैं। ये देखिए, मैंने इसे डाल दिया और अच्छे से मिला लिया। मिलाने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इधर मैंने चटनी में डालने के लिए थोड़ा सा पनीर ले लिया, इसे छोटे छोटे पीसों में कट कर लेंगे। तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखिए, कट करने के बाद मैंने यहाँ पे चटनी में डाल दिया, साथ ही आधा नींबू का रस निचोड़ लिया और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं ये दोनों चटनी को ठंडा करने के बाद दे रही हूँ। यदि चटनी जब हमारी पकड़ी थी तब डालते तो पनीर हमारी टूट सकती थी और नींबू का खट्टापन इतना अच्छा टेस्ट आता नहीं है। मतलब खट्टापन का टेस्ट जब हम चूल्हा पर चढ़ाते हैं ना चटनी को, तब नहीं आता। ठंडा करके डालने से ना नींबू का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद 10 मिनट में आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया। हम इसे एक बार अपने हाथों से मसल लेंगे, क्योंकि आटा जितना स्मूथ रहेगा समोसा वगैरह इतना ही अच्छा बन के तैयार होगा। जब आटा स्मूथ हो जाए तो छोटा छोटा सा लोई बना लेंगे और सभी लोई का हम इस तरीके से छोटे छोटे रोटियां बना लेंगे। अब इसे एक थाली में रखते जाएंगे, इसी तरीके से हम बहुत सारा रोटियां बना लेंगे। ये देखिए, हमने कितने सारी रोटियां बना के तैयार कर लिया। अब एक रोटी लेंगे, इसमें हमने जो घोल बनाया था वो घोल डालेंगे, चारों साइड फैलाएंगे। फिर दूसरा रोटी डालेंगे, फिर उस पर भी ये घोल लगाएंगे, चारों साइड फैलाएंगे। इसी तरीके से हम करते करते 6 से 7 रोटियां हम फैला लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 से 3 बार हम बेलन की सहायता से इसे बेल लेंगे और इस तरीके से हम इसे रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद कॉर्नर पे हम थोड़ा पानी लगाएंगे और इसे चिपका लेंगे। ये देखिए, हाथों की सहायता से हमने दबा दिया और छोटे छोटे पीसों में हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। देखिए कितना परफेक्ट लेयर है इसका। अब इसी लेयर के साथ हमें रोटी फिर से बेलना है। चारों साइड का किनारा हम इसे हटा लेंगे। ये देखिए, अब कितना अच्छा हमारा ये चौकोर सा हो गया। अब बीच में हम इस तरीके से फीलिंग रखेंगे, इस दोनों साइड हम पानी लगा लेंगे और इस तरीके से हमें इसे मोड़ देना है। ये देखिए, अब इसके दोनों साइड चिपका देंगे। ये देखिए, पानी लगाने से क्या होता है कि इसकी एक भी लेयर खुलेगी नहीं और ये परफेक्ट चिपक जाएगी। देखिए, हमने इतने सारे इसी तरीके से समोसा बना के तैयार कर लिया। अब इसे मंदा आंच पे पलट पलट के गोल्डन सुनहरे होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सुनहरा कलर आया है। इस तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे और हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
तो ये देखो सारे समोसे बन के तैयार हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि शाम के चाय या फिर सुबह के चाय के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने भी इसे शाम के चाय के साथ बनाया और सभी को खिलाया। ऑनेस्टली ये लोग मेरी बहुत तारीफ़ करी कि बहुत ही टेस्टी बना था, समोसा भी इससे भी ज़्यादा परफेक्ट बना था। तो मैंने इसे चाय के साथ सेजवान, साथ में सेजवान चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करा था। तो यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखो। बाय बाय।